गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी बज रहा है सुबह का 4:40। जी हाँ, मैं अभी भी जगा हुआ हूँ क्योंकि मेरे को एडिट करना था। पहले मोबाइल में एडिट किया और उसके बाद मैं उसको एक्सपोर्ट भी किया। एक्सपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा गलती रह गया वहाँ पर, फिर मेरे को वो जो वीडियो एक्सपोर्ट किया उसको फिर से मैं एडिट करने गया। एडिट करते करते एडिट कर लिया मोबाइल में, फिर उसके बाद फिर एक्सपोर्ट मारने का कोशिश किया तो हो नहीं रहा। मोबाइल बोल रहा है मैं नहीं करूंगा, तो फिर मैं जो एक्सपोर्ट किया वीडियो को मैं लैपटॉप में डाला और यहाँ पे एडिट करके अभी जाके एक्सपोर्ट में बैठाया हूँ। और आप जैसे कि देख रहे हैं 4:41 AM बता रहे हैं और 7/12/2022, ठीक है। मैं अभी इसको एक्सपोर्ट में बैठाया हूँ, 1% हुआ है। देखते हैं 10-15 मिनट वेट करूंगा। यहाँ पे टाइम देखिए कितना बता रहा है, 58 मिनट लगभग, अभी देख 38 बता रहा है। अरे यार, ऐसे करने से थोड़ी चले, अभी 58 बता रहा है। तो दोस्तों नींद भी लग रहा है लगभग, थोड़ा बहुत तो नींद लग रहा है। अगर बेड में जाके सो गया तो जाऊंगा। देखते हैं, मोबाइल में इतना अच्छा एडिट किया मस्त, उसको एक्सपोर्ट भी किया, फिर स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत मतलब वो डेट वगैरह जो डालना होता वो नहीं डाला था तो बोल के फिर से मैं जो एक्सपोर्ट किया वीडियो को फोन में डाल के फिर से एडिट कर रहा था। उसके बाद हो गया दिक्कत, 3-4 बार ट्राई किया लेकिन वो वीडियो एक्सपोर्ट हो ही नहीं, होके नहीं देता मेरे को एक्सपोर्ट। हो वीडियो फोन बोलता है मैं नहीं दूंगा तेरे को एक्सपोर्ट करके, होके ही नहीं दे रहा है। तो फिर मैं जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसको मस्त लैपटॉप में डाला और स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही पार्ट है जो डेट ब्लॉग कौन सा ब्लॉग ये सब जो रहता है ना वो डालना था, वो डाल दिया। अब एक्सपोर्ट में बैठा हूँ, देखते हैं कितना देर लगेगा ये होने में। ज्यादा देर रहेगा तो मैं तब तक सो जाऊंगा गाइस, और पता नहीं सुबह कितना बजे उठूंगा। यही होता है, ब्लॉगिंग इजी चीज नहीं है। अगर आपके पास पीसी वगैरह थोड़ा मतलब स्लो है ये है तो आपके लिए ब्लॉग इजी नहीं है, एडजस्ट करना पड़ेगा। मोबाइल में होता है तो मोबाइल भी आज 2-3 बार किया तो एक्सपोर्ट फिर नहीं हो रहा है, क्या करे। तो गाइस आपसे सीधा सुबह मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सुबह हो चुका है और मैं भी उठ चुका हूँ और ये भी उठ चुका है। अब चलते हैं गाइस मम्मी के पास। मम्मी किधर है? अरे इधर तो नहीं है। ये देखो क्या चल रहा है। ओहो हो, फ्राई किया जा रहा है गाइस, और यहाँ चावल पकने के लिए दिया गया है। पापा लाए हैं मछली, और जो मछली नहीं खाते हैं उन लोग के लिए लाया गया है चिकन। चिकन भी बनेगा गाइस आज। मम्मी इज ऑर्डर गाइस, इसमें पानी देने बोले हैं तो इसमें पानी देते हैं। पानी ऑलरेडी था फिर भी। और तो जो मछली नहीं खाते हैं ना, हम मतलब खाते हैं, सभी मछली खाते हैं लेकिन ज्यादा पसंद नहीं करते, तो उनमें से मैं हूँ। भैया बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो मछली कम खाता है। तो मेरे लिए स्पेशली चिकन लाते हैं पापा। मैं चिकन को मैं बनाने वाला हूँ तो उससे पहले अच्छे से धो लेते हैं, ठीक है। धोने के लिए मेरे को एक, अब रखने के लिए एक सामान चाहिए और सब कुछ एंगेज है। मछलियों ने पूरा एंगेज कर लिया। तो हाँ, किसमें करे, मम्मी से। माँ तो धोने के लिए भाई एक कढ़ाई ले लेता हूँ, इसमें रखेंगे और धो के एक थाली वगैरह में रख देंगे। पहले इसमें मछली को रखते हैं, मछली बोल रहे हैं यार, ये चिकन को रखते हैं। कितना महीना हो गया गाइस नहीं खाए हैं। और आज मैंने अच्छे से धो लिया ये को चिकन को, और अब मसाला रेडी करते हैं। प्याज काटते हैं, और प्याज वाज काट के मस्त रेडी कर लिया और वहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा दिया। मैं मतलब कढ़ाई चढ़ा दिया और यहाँ पे, और यहाँ पे मम्मी वो मछली को मस्त हल्दी एंड नमक से उसको मिला रहे हैं पूरा अच्छे से, और इसको ऐसे मिला के मैं छोड़ देंगे तलेंगे। तो फिलहाल मेरा कढ़ाई गरम होने ही वाला है, गरम होते साथ मैं डाल दूंगा तेल और उसके बाद प्याज। आज तो हर तरफ से वैरायटी हो रहा है गाइस। मम्मी पापा के लिए मछली, और मैं भैया और मामा है उन लोग बस चिकन चलेगा जो छोड़ दिए। तो मेरा कढ़ाई भी गरम हो गया, अब तेल डालते हैं इसमें।
इसमें जा रहा है तेज पत्ता 3 टो और उसके बाद प्याज ऐसे पकड़ो और ऐसे छोड़ दो। दोस्तों ये चैनल में ना आपको ब्लॉग छोड़ के सब कुछ मिलेगा, ब्लॉग भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे खाना भी बना रहा हूँ, ड्राइंग भी कर रहा हूँ और आगे क्या पता डांस भी करने लग जाऊं। तो हाँ मैं पूरा दिन जो करता हूँ घर में जो करता हूँ बाहर में जो करता हूँ वही दिखाने का कोशिश करता हूँ आपसे आपको। तो अभी जैसे फिलहाल चिकन लाए हैं पापा तो मस्त बनाऊंगा उसको अच्छे से, और मम्मी जैसे लग गई काम में, मम्मी तो सुबह उठ के काम में लग जाती है और हम लोग आराम से उठते हैं क्योंकि रात को मैं थोड़ा लेट सोता हूँ, एडिटिंग का चक्कर है बाबू बाय। तो हाँ कल पापा और भैया रांची नहीं गए ना क्योंकि ट्रेन थोड़ा ज़्यादा ही लेट बता रहा हूँ, तो उतना लेट में जाके कुछ फायदा नहीं, इसलिए आज जाएंगे ये लोग। ठीक है तो प्याज को पूरा अच्छे से ब्राउन कर लेता हूँ, मतलब लगभग जैसे लगे कि हाँ हो गया, इसके बाद चिकन डाल देंगे इसमें। देखिए गाइस सबका अलग अलग वे रहता है, स्टाइल में बनाते हैं और मेरे को ऐसा स्टाइल ऐसा अच्छा लगता है बनाने में तो मैं ऐसे बनाता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं सारा सामान एक साथ मिला के डाल देते हैं, डालने के बाद आराम से होगा अपने आप, वो थोड़ा ज़्यादा सेफ लगता है। और बहुत लोग और भी बहुत स्टाइल में बनाते हैं, बहुत अलग अलग वे है बनाने का, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ अपने लिए क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत सही आता है। मस्त बना रही है यहाँ पे छोटा मछली को, यह है उसको अच्छे से मस्त मिला के यहाँ पे डालो। दोस्तों अभी इसमें जाएगा मसाला, ये मसाला जो मैं ग्राइंड किया था उसको यहाँ पे डाला गया। तो गाइस बाकी उसमें और कुछ नहीं, मसाला डाल के ढक के रख दूंगा वो बन जाएगा, मैं वेट करता हूँ कब तक होता है। तो दोस्तों ये हो गया रेडी, अब ये फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा है। धनिया लगा दिया इसमें, अब डाल दिया धनिया और थोड़ा करी रखता हूँ क्योंकि मजा आता देखने में। तो उधर चिकन भी रेडी हो चुका है, चावल सब रेडी हो चुका है, बस मछली बनाना बाकी है, मैं नहीं बनाऊंगा पापा या मम्मी बना लेंगे। सब रेडी हो चुका है, अभी यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट आज का, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, वो देखूंगा। मोबाइल में चार्ज नहीं, वो भी डाल दूंगा अभी, मोबाइल थोड़ा चार्ज में लगा देते। दोस्तों मैंने नहा भी लिया और लंच भी कर लिया और अभी एडिटिंग में बैठूंगा। तो गाइस ये ब्लॉग को ना यही एंड करते हैं और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।